हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि मोशन एंड टाइम में टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। क्लास 7 NCERT साइंस, चैप्टर मोशन एंड टाइम, सेक्शन मेजरमेंट ऑफ टाइम। Measurement of time. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि अभी दिन में कितना बज रहा है? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadow? क्या आपको ये कभी आश्चर्य हुआ कि हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने लोग सिर्फ दिन में छाया देख करके, शैडो देख करके कैसे बता देते थे कि अभी दिन में कितना बजा है? रात का नहीं बता पाएंगे क्योंकि रात में छाया नहीं होता है। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ? हम लोग कैसे पता करते हैं कि एक महीना हो गया, नया महीना, न्यू मंथ शुरू हो गया? या ए ईयर, कैसे पता चलेगा कि एक साल हो गया, साल खत्म हो गया, कैसे पता चलेगा? सर, नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे पुराने लोगों ने यह ध्यान दिया कि इस नेचर में, प्रकृति में बहुत सारे चीज अपने आप को रिपीट करते हैं एक खास समय के बाद। फॉर एग्जाम्पल, they found that the sun rises every day in the morning. जैसे उदाहरण के लिए, उन्होंने देखा कि सूर्य जो है प्रत्येक दिन सुबह में उगता है। The time between one sunrise and the next was called a day. उन लोगों ने एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच के समय को डे कहा। ध्यान रहे, एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में रात भी होता है। तो हम लोग जो समझते हैं, दिन प्लस रात दोनों मिला करके एक दिन होता है, सनराइज टू सनराइज। सिमिलरली, ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। इसी प्रकार से महीना भी एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून आने तक एक महीना माना गया। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. उसी तरह से एक साल माना गया, फिक्स किया गया, जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम कितना हुआ है? पुराने जमाने में तो घड़ी होता नहीं था, तो फिर हमें, हमारे बड़े बुजुर्गों को, पुराने लोगों को टाइम कैसे मालूम पड़ता था? तो कोई ये बोलेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है शैडो देख करके, छाया देख करके टाइम बता देते थे कि ये पेड़ का शैडो इतना है, ये आदमी का शैडो इतना है, छाया इतना है, तो इतना टाइम हो रहा है। चलो ठीक है, ये मान लिया कि छाया देख करके वो बता देते थे मोटा मोटी कि सुबह का समय हो रहा है, कि शाम का हो रहा है, कि दोपहर का हो रहा है, पर वो लोग ये कैसे बताते थे कि महीना कितना हो रहा है, कैसे महीना खत्म हो गया, कैसे साल खत्म हो गया? तो ये कैसे पता लगाते थे कि कितना टाइम हो रहा है, कितना दिन हुआ है, कैसे महीना निकला, कैसे एक साल निकला, कैसे? हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि प्रकृति में, नेचर में कुछ चीजें जो है रिपीट होती है। जैसे उन्होंने देखा कि सूरज जो है रोज सुबह निकलता है, रोज सुबह उगता है, सनराइज होता है, उसके बाद दूसरा दिन, फिर वो दूसरे दिन सुबह में सनराइज होता है, सूरज उगता है। तो इन चीजों को उन लोगों ने नोटिस किया, तो उन्होंने एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में उसको एक दिन माना। तो ऐसे भी हम लोग को मालूम है सुबह से सुबह एक दिन होता है, मगर याद रखिए, एक दिन में दिन प्लस रात होता है। दिन मतलब सनराइज से सनराइज,
तो सनराइज से शाम तक दिन हो गया और शाम से अगेन सनराइज तक रात हो गया। तो दिन में दिन और रात दोनों होता है। अगर जब तक हम अलग अलग नहीं बोलेंगे कि दिन के समय रात के समय, बोलेंगे एक दिन, तो एक दिन का मतलब है जैसे हम लोग जानते हैं 24 घंटा, मतलब दिन और रात दोनों ही। इसी प्रकार वो महीना भी मेजर करते थे, न्यू मून टू न्यू मून। न्यू मून मतलब जब वो चांद का एक लकीर हल्का सा क्रिसेंट शेप दिखता है तो उसे न्यू मून कहते हैं, और जब पूरा चांद दिखता है तो उसे फुल मून कहते हैं। तो न्यू मून से न्यू मून महीना का वो लोग हिसाब लगाते थे। साल का कैसे पता लगाते थे? तो वो पुराने जमाने के लोगों को मालूम था चंद्र ग्रहण, सौर्य ग्रहण, सूरज ग्रहण, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। तो पृथ्वी जब एक जगह से सूरज के चारों ओर चक्कर काटती थी तो एक पॉइंट से चक्कर काटते 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 जब उसी वापस पॉइंट पे आ गया तो उसको एक साल बोले। और यही होता है, जब वो वापस घूम करके पृथ्वी उसी जगह पे सूरज के चारों तरफ घूम करके आ जाती है तो एक साल होता है। और ये जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर काटती है उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन रोटेशन किसको बोलते हैं? रोटेशन जो होता है, जो पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे गोल 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 घूमती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। तो पृथ्वी रोटेशन और रिवोल्यूशन एक साथ करती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे गोल 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 घूम रही है, और ये अगर सूरज है तो ये गोल 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 भी घूम रही है और ऐसे गोल 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 घूमते 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 फिर वापस आ गया। तो एक चक्कर जो गोल मारा दिन हो गया एक दिन, और उसी चक्कर को मारते 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 जब वापस उसी पोजिशन पे आ गया तो एक साल हो गया। तो एक रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन 1 ईयर हो गया, और 1 रोटेशन डे हो गया। तो इतने ये तो हम लोग के पूर्वज क्या करते थे, सुबह से सुबह दिन मान लिए, और पृथ्वी जब वापस उसी जगह पे पूरा चक्कर काट के सूरज का आ गई तो उसे ईयर मान लिए। ऐसे वो लोग हिसाब लगाते थे। तो ध्यान रहे, पृथ्वी का अर्थ का रोटेशन एक चक्कर अपने एक्सिस पे दिन और रात होता है, डे एंड नाइट। और इस डे एंड नाइट को क्या बोलते हैं? 1 डे। और वही अर्थ, वही पृथ्वी जब सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, रिवॉल्यूशन करती है, तो 1 ईयर होता है। रोटेशन डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन ईयर। ओके, तो अब इससे तो काम चलेगा नहीं कि छाया देख करके शैडो देख करके बताती है सुबह है कि दिन है। अब तो आना बदल चुका है, जो हमारे पूर्वज जो थे उनका तो काम चल गया, मगर अब तो हमें घंटे का हिसाब चाहिए, आवर का हिसाब चाहिए। तो इसके लिए आज की डेट में क्या है? घड़ी। तो घड़ी यानी कि वॉच, तो वॉच चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द most common. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. अब आज के डेट में इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करना पड़ता है, जो कि एक दिन से 24 घंटा से बहुत कम होता है, क्योंकि हमें आवर का हिसाब रखना पड़ता है। तो घंटा का हिसाब रखने के लिए, एक एक घंटा या 2 घंटा 4 घंटा का हिसाब रखने के लिए आज के डेट में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? क्लॉक्स या वॉचेस। ये इजीली अवेलेबल है। आपको ऐसा तो लगा ही होगा, आपको तो ऐसा लगा ही होगा कि ये घड़ी जो है, क्लॉक जो है, ये कैसे काम करता है। तो इतना आसान नहीं है, इसका काम करने का जो फंडा है, इसका जो प्रिंसिपल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पर जो भी है, इसका प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स है या कि क्या है, कोई भी घड़ी हो, हर घड़ी किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई पीरियोडिक मोशन का फंडा को यूज करता है। तो पीरियोडिक मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो सिंपल पेंडुलम का मोशन है। सिंपल पेंडुलम उसी फंडा पे काम करती है।
बेस्ट एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। इस बात को लेकर के आपको कभी ना कभी आश्चर्य तो हुआ ही होगा कि ये घड़ी आखिर काम कैसे करती है। भाई इतना छोटा सा घड़ी, इतना सस्ता सा घड़ी, 20 रुपया में मिलता है, 200 रुपया में मिलता है, 2 लाख में मिलता है, 2 करोड़ में भी, आखिर ये काम कैसे करती है। तो इस घड़ी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रिंसिपल है, सिंपल नहीं है। तो जो भी है कम्प्लेक्स है, पर जितना भी घड़ी है वो किसी ना किसी रूप में एक कॉमन प्रिंसिपल फंडा पर काम करती है। और वो कॉमन प्रिंसिपल फंडा क्या है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो काम करती है, चाहे वो कोई भी घड़ी हो। पीरियोडिक मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो बहुत एग्जांपल होंगे पीरियोडिक मोशन के, घड़ी भी इसी फंडा पे काम करती है। तो पीरियोडिक मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो कि सीधा साधा सिंपल सा है, उसका बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो आगे के क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है, कैसे काम करता है, और ये पीरियोडिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल क्यों है। नाम इसका सिंपल है तो सिंपल ही होगा, जो भी है, तो इसको आगे के क्लास में देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? दोस्तों कहना ठीक नहीं होगा, अभी तक क्या देखा आप लोगों ने बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मोशन एंड टाइम। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बहुत तरह के मोशन होते हैं, बहुत तरह के मोशन होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, टुक 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 टुक। स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे सोल्जर मार्च पास्ट करते हुए सब एक लाइन में जा रहे हैं, बैलगाड़ी एक किसी एक डायरेक्शन में रोड पर जाते हुए, स्ट्रेट लाइन मोशन है। पर वहीं बैलगाड़ी का जो चक्का है, जो पहिया है, जो व्हील है, वो तो गोल गोल घूम रहा है, वो हो गया सर्कुलर मोशन। बैलगाड़ी जो जा रही है एक रास्ता पे सीधे, वो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसका चक्का है सर्कुलर मोशन। और उस बैलगाड़ी पे एक बच्चा बैठा हुआ है, भोलू, वो भोलू जो है हाथ में एक रस्सी में पत्थर बांधा हुआ है, वो पत्थर को ऐसा लेकर के ऐसा ऐसा घुमा रहा है, रस्सी में या धागा में या सूता में बांधा हुआ है, तो ऐसे 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 घूम रहा है। बैलगाड़ी स्ट्रेट लाइन मोशन, चक्का बैलगाड़ी का सर्कुलर मोशन, और भोलुआ जो उस पर बैठ करके वो धागा में रस्सी में पत्थर को बांध करके ऐसे ऐसे हिला रहा है, वो हो गया पेंडुलम मोशन। तो देखिए, अब जब मोशन की बात आती है तो मोशन स्लो होगा या फास्ट होगा, और स्लो होगा या फास्ट होगा वो हमको स्पीड से ही पता चलेगा। जिसका स्पीड ज्यादा है उसका मोशन फास्ट है, जिसका स्पीड कम है उसका मोशन स्लो। तो स्पीड कैसे मेजर होगा? जो किसी भी डिस्टेंस को जितना कम समय में, शॉर्ट टाइम में कवर कर लेगा उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 किलोमीटर है, उसको आप 100 घंटा में करेंगे तो 100 किलोमीटर को आप 100 घंटा में किए, बहुत टाइम लग गया। और कोई 100 किलोमीटर को 20 घंटा में कर लिया तो कम टाइम लगा। तो सेम डिस्टेंस को अगर कोई कम समय में कवर करता है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, मतलब अगर एक ही डिस्टेंस है तो टाइम जिसको कम लगेगा वही उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। अब यहां स्पीड भी देखने वाली बात होती है कि स्पीड भी दो तरह की स्पीड होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जो सभी समय कांस्टेंट हो, एक ही समान हो, एक ही स्पीड पे चल रहा हो, जैसे 50 का स्पीड है तो सब समय 50 50 50 50 50 50 50, इसको कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे या इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो इस तरह का जो स्पीड हुआ उसको हो गया वो यूनिफॉर्म स्पीड, और
इस स्पीड के कारण जो मोशन बना उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी गाड़ी का स्पीड जो है, ये तो संभव भी नहीं है कि 50-50 हो, तो ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 48 हो गया, कभी 52 हो गया, कभी 45 हो गया, कभी 65 हो गया, बहुत कारण हो सकता है, ट्रैफिक के कारण, रोड के कारण, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो जब स्पीड ऊपर नीचे वैरी होता है, चेंजिंग होता है, तो वो यूनिफॉर्म हुआ नहीं, तो वो क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म। तो जब स्पीड चेंज हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कारण जो मोशन हुआ उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या देखें यहां पे, इससे आगे जब इससे आगे बढ़कर के बात आ जाती है टाइम पे, कि भाई स्पीड तो उसी का ज्यादा होगा, अगर एक ही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, और जो जितना जल्दी पहुंचेगा, जैसे आपका कॉलोनी से स्कूल जाता होगा बहुत लोग, तो मान लीजिए 4 बच्चे जाते हैं, तो डिस्टेंस तो आपका घर और उसका घर का स्कूल का एक ही हुआ, जो जल्दी पहुंचेगा मतलब जिसको कम टाइम लगेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो अब यहां बात आ जाती है टाइम की। तो टाइम कैसे मेजर होता है, टाइम जो है पहले के जमाना में जो भी है चांद तारा सितारा को देख करके होता था, सुबह से सुबह को डे माना जाता था, छाया वाया शैडो वैडो देख करके होता था। बट अब आज के डेट पे हम लोग दिन से दिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, या न्यू मून से न्यू मून की महीना हो गया भाई उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, या पृथ्वी एक चक्कर काट लिया, सूरज का एक साल हो गया, हम लोग को अभी छोटे छोटे समय में बहुत काम करना पड़ता है। आज 1 घंटा में इधर जाना है, तो दूसरे घंटे में बैंक में जाना है, तो तीसरा घंटा किसी दोस्त के यहाँ जाना है, तो शाम में जो है उधर जाना है, तो हमें आज के डेट पे आवर आवर घंटे घंटे का हिसाब रखना पड़ता है। तो पुराना वाला तो काम चलेगा नहीं, तो इस घंटे घंटे का हिसाब रखने के लिए क्या है आज के डेट पे, क्लॉक, वॉच, घड़ी, घड़ी से हम लोग आवर्स का हिसाब रख सकते हैं। अब ये घड़ी जो है ये छोटी मोटी चीज है नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पे काम करती है, सस्ता मिलता है, 20 रुपया में 100 रुपया में मिलता है, महंगी घड़ी भी आती है, करोड़ों की घड़ी भी आती है। लॉन टेनिस के प्लेयर जो है हिंगिस वगैरह, मार्टिना हिंगिस और ये सब, रोजर फेडरर और ये सब जो है रेड वॉचेस पहनते हैं, जो कि करोड़ों करोड़ों की आती है। एनीवे, तो ये जो है क्या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पे काम करता है, मगर एक चीज है कि सारे घड़ी में कुछ ना कुछ तो फंडा है जो कि कॉमन है, और वो फंडा क्या है कि सारे घड़ी का प्रिंसिपल जो है वो पीरियोडिक मोशन पे काम करता है। तो मतलब पीरियोडिक मोशन पे घड़ी तो काम करता है, उसका फंडा है, प्रिंसिपल है, ये इसी प्रिंसिपल पर वो डेवलप हुआ है। अब पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, तो पीरियोडिक मोशन का जो बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। तो पीरियोडिक मोशन पे घड़ी काम करती है, और पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल देखते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल हो गया ना पीरियोडिक मोशन का, उस पे एक एग्जांपल क्लॉक भी हो गया। तो पीरियोडिक मोशन का एक जो सबसे छोटा वाला एग्जांपल है जो समझने में आसान रहता है उसको देखते हैं, तो उसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लोचा नहीं है, आराम से पढ़िए, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्लो है कि फास्ट है, तो कैसे मालूम पड़ेगा, स्पीड है। स्पीड क्या होता है, एक यूनिफॉर्म, जो कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म, और कांस्टेंट स्पीड नहीं है, अलग अलग स्पीड है, चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म। अब जो है स्पीड के लिए टाइम का होना जरूरी है, तो टाइम जो है आज के डेट में हम लोग घड़ी से ही मेजर करते हैं, वॉच से, और ये वॉच जो है पीरियोडिक मोशन के फंडा पे काम करता है। तो पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल पेंडुलम, आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, और फोड़ डालिए, एकदम फोड़ डालिए, छोड़ने का नहीं, सबको पढ़ना है और सबको आगे बढ़ना है, अपना देश आगे बढ़ेगा एकदम मस्त एकदम। चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट।